भजन करते। एक बोलो अच्छा, अब बारे बारे से भगवान की खुदाई उम्र 4 वर्ष की है तो नीचे वाले सखा कितने होंगे, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष बड़ी देर हो गई। अंदर घुसते जा रहे कन्हैया दूर खड़े ही, और भगवान ने जैसे ही देखा भगवान समझ गए ये राक्षस है, मेरे ब्रजवासियों को मारने आया है। भगवान ने वहीं से रोका, भैया रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ग्वाल वाले नहीं समझे, वो प्रवेश कर गए। एक बोला भैया जामे तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, क्या डल्लो की गद्दा बिछी, और उसकी वो जीभ गुदगुदी सी थी, क्या रंगीन डल्लो की गद्दा है, तभी संत लोग इसमें भजन करते, बड़ी सुंदर व्यवस्था। और आगे गए, बड़े बड़े दांत चमक रहे, भैया जे का लग रहे हो, अरे बावरो तो नहीं पतो है जे खूटियां लग रही है, काहे जो कोई बाहर ते आए संतन को दर्शन करवे वो अपन सामान नहीं टांग दे फिर अंदर संत को दर्शन। और जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो वो राक्षस था, अंधकार हो गया, सब बेहोश हो गए। तो ध्यान रखना, सुखदेव जी सावधान करते हैं, जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है, प्रहलाद के लिए चींटी बन सकता है, तो क्या हाथी बनने की सामर्थ्य नहीं है। बीच तलवा में जाकर के भगवान अजगर के मुंह में प्रवेश किए, और बीच तलवा में जाकर के भगवान खड़े हो गए। और मेरे बंधु ध्यान रखना, जब बीच तलवा में खड़े हुए इतना विकराल रूप बनाया भगवान ने कि उस अघासुर का तलवा फट गया और उसका प्राणांत हो गया। हेलो, बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, कन्हैया ने अगासुर का उद्धार किया, भगवान सब ग्वाल बालों को निकाल के बाहर लाए, और बांसुरी से सबको चेतना दी भगवान ने, ध्यान रखना चेतना दी। अब भगवान ग्वाल बालों को नहीं पता कि क्या हो गया, भगवान ने कही भैया अब भूख लग रही है, कछु लायो खाने के लिए। सब ग्वाल वाल टोल बना करके बैठ गए और बोले लाला चिंता मत कर, भैया देख मैं अपने घर से पूरी सब्जी लाए, एक कहता है कि मैं पराठे लेकर आए, एक कहता है कि भैया मैं अपने घर से दाल चावल लेके आई, ये खाना। सो कन्हैया ने देखा सब ग्वाल वाल अपना अपना भोजन लिए हुए हैं, पर भगवान की मंडली में एक बड़ा गरीब सखा था जिसका नाम है मदमंगल। ये 201 रुपए का सम्मान दुर्वेश सिंह यादव ये भैया हमारे दे रहे हैं, सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, चलो देखे हैं बाद में। बोल गोविंद भगवान की। मेरे सज्जनों, तो भगवान ने उसका बड़ा सम्मान किया, भगवान मेरे करुणा के निधान है और भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मेरे गोविंद ने देखा कि ये उदास बैठा है, बोले भैया आज किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन करेंगे तो केवल मदमंगल के घर का। जैसे भरी सभा में दुर्योधन की और विदुर जी का सम्मान किया मेरे गोविंद ने, आज वैसे ही यहाँ सम्मान कर रहे मदमंगल का। अब भैया एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक झोंपड़ी वाले को कह दे कि तो हमारे मित्र हो, या वो सम्मान कर दे, तो उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मदमंगल खुश हो गया, पर आंखों में आंसू आ गए, लाला मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कन्हैया तू नेक ठहर जा, मैं वही आयो, आज हृदय रूपी समुद्र में मन रूपी मयूर नाच गया, और दौड़ करके घर पहुंचा और अपनी मैया से जाके बोले, मैया बोले हाँ, अरे याद तो भरी ग्वाल मंडली में लाला ने मेरे बड़ो सम्मान कियो है, अब जल्दी एक काम कर। का बोले कछु खाए को तो दे, क्यों लाला भूखो बेटो, आज तो मेरे ही घर को भोजन करेगो, माने पूरी सब्जी भी ना खाई काऊ के घर की। तो मैया के आंखों में आंसू आ गए, मेरे पुत्र
तुझे पता है चार चार दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता है, इसीलिए तुझे नंदरानी के महल में मैंने रख दिया है। मेरे लाल कुछ भी नहीं है खाने को, पुत्र मैं कल कोई ना कोई इंतजाम करूंगी और तब तुम कृष्ण को बुला लेना, फिर तुम उन्हें भोजन कराना, मैं बढ़िया पकवान बनाएंगी। पर नारी हठ बाल हठ राज हठ नहीं मैया मोहता भाई कछु चाहिए। सुखदेव जी कहते सावधान, तीन दिन की बासी कड़ी रखी थी। भैया ने कही ये बालक है ना माने को ले जा भैया, तो वो तीन दिन की बासी कड़ी को लिया। बेटा ले जा, मधमंगल जा रहा है पर सोचता जा रहा है ये तीन दिन की बासी कड़ी खट्टी कड़ी, अरे मेरा गोविंद तो माखन मिश्री का भोग पाने वाला है, 56 भोग उसको मिलते हैं और ये तीन दिन की इतनी खट्टी कड़ी कैसे खिलाएगी श्याम को। ध्यान रखना बंधुओं, आज एक झाड़ी में बैठ गया और उसने क्या किया है, वो कड़ी की मटकियां उठाई और पूरी मुंह पे लगा के पी गयो। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी, बोले लेके जाएंगे तो जरूर खा लेगा, मेरा कन्हैया ऐसा है वो जरूर खा लेगा। तो वो खट्टी कड़ी बोले मैं अपने कन्हैया को नहीं दे सकते हैं, झाड़ी में बैठ के सारी कड़ी पी गयो। कन्हैया इंतजार कर रहे, अरे भैया अभी तो मधमंगल आयो ना, बड़ी देर रह गई भैया, भूख लग रही है। तो एक झाड़ी में पत्ता हिलते हुए दिखाई दिए, अरे लाला वो बैठो दिख झाड़ी में छुपो बैठो, बड़ो चालाक है काय, बोले लाला को कुछ खिलानो ना पड़े या लिए बैठो। मेरे गोविंद जैसे सामने गए हैं तो मेरे गोविंद ने जब देखा है बंधुओं ध्यान रखना, मुंह पे कड़ी लगी है। अच्छा तुमने चोरी चोरी से भोजन कर लिया, हम इंतजार में बैठे भोजन के लिए। भैया तुम मधमंगल भूला लाला, मैं शर्म के कारण तेरे पास नहीं आया। क्यों और भी ग्वाल लोग वहां थे, मैं खाली हाथ कैसे आता, तीन दिन की बासी कड़ी रखी थी बहुत खट्टी, मैं वो लेके आ रहा था तुझे कैसे खिलाता, गोविंद तुम कैसे उसको खाते। अच्छा तुमने क्या खाया, बोले भाई तो पी ली हमने। मेरे गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, उसके मुंह पर कड़ी लगी थी, मेरे द्वारिकाधीश मेरे गोविंद को देखिए कितना कृपालु है कितना दयालु है, उसने कहा कोई बात नहीं मेरे लिए बहुत है इतनी। जोश ग्वाल के मुखार बिंद पे कड़ी लगी थी, धन्य वो सच्चिदानंद, उसने अपनी जिभ्या को निकाला और चाटने लगा, एक साधारण बालक के मुखार बिंद से कड़ी को चाट रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, कैसे ऋण मुक्त हो वो ब्रिजवासी, कितना प्रेम करते हैं मेरे गोविंद। आहा ये दृश्य देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने, क्या ये वही भगवान है जिसकी हम लोग वंदना करने गए थे, सत्य व्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्य शोने उन्हितम च सत्य सत्य से सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्या ये वही त्रिकाला बाधित है, क्या ये वही आदि मध्यांत सत्य है, क्या ये वही अपरिवर्तनीय सत्य है जिसकी स्तुति हम सभी देवता करने गए थे। यदि ये वही भगवान है तो एक साधारण बालक के मुखारबिंद से कड़ी क्यों चाट रहा है, ये हो ही नहीं सकता भगवान। ब्रह्मा जी को शंका हो गई मेरे सज्जनों, और जब ब्रह्मा जी को शंका हो गई, ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा ले ले, भगवान बैठे थे ब्रह्मा जी गए, ग्वाल बाल बैठे थे, बछड़े चुरा लिए ब्रह्मा ने, और जब भगवान बछड़े ढूंढने के लिए गए तो ग्वाल बाल चुरा लिए। एक पल के लिए मेरे गोविंद को झटका लगा, ऐसा कौन है, मेरे ग्वाल बाल कौन ले गया, अरे इनके बिना तो मैं नहीं रह सकते हैं ब्रजवासियों के बिना। मेरे भगवत प्रेमियों आंख बंद करके देखा समझ गए, अच्छा ब्रह्मा जी तुम। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, कन्हैया के चरित्र को देखिए, कभी भी जब तक मेरे गोविंद जब कई नंद बाबा एक राजा थे, राजसी ठाट था, 1,00,000 कमुए जिनके घर में नित्य रहती थी और 85 चौक का जिसका महल है वो नंदरानी यशोदा यदि सेवा भी करती तो किसी दासी से नहीं सेवा कराती अपने पुत्र की, ध्यान रखना। आजकल मैंने देखा है
कि माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसको दुग्ध पान कराने का भी समय नहीं है। घर में नौकरानी को छोड़ देती है, बोले तुम पालन करो, और मैया बाहर घूम रही है। अब कहिए ये बेटा माता पिता का कैसे ख्याल रखे? समझना बात को, कुछ संस्कार माताओं के भी ऐसे बनते हैं। जिस माँ ने, लोग कहते तूने अपनी माँ का दूध पिया तो आजा सामने, अरे जब पिया ही नहीं माँ का तो आएगा कैसे सामने? हाँ, अब तो बोतल का दूध दिया जा रहा है, बोतल का दूध पियाया जा रहा है। माता के दूध में वो शक्ति है, माता के दूध में वो तासीर होती है, माता के दूध में वो पावर होता है कि बेटा जिससे चाहे उससे मुकाबला कर ले, कभी परास्त नहीं हो सकता है। ये माँ की दुआ होती है, ये माँ का आशीर्वाद होता है। पर जो माताएं अपने बेटे को पालन ही नहीं करती है, तो वही बेटे आज लड़ार है, लड़ार बन के निकल जाती है। वो क्या किसी का सम्मान जाने, वो क्या किसी का आदर करेंगे क्या? जब मैया ने, हाँ अब कोई कहे तू असली माँ का यदि है तो क्या कहोगे बताओ? उनकी तो मैया बोतल है, तुम थोड़े। हाँ बोल गोविंद भगवान की। ऐसी माताओं से निवेदन है, यदि जीवन में अपने बेटा को सच में पहलवान बनाना चाहती हो, ऐश्वर्यशाली बनाना चाहती हो, अच्छा बनाना चाहती हो, तो अपने बेटे को स्वयं अपना दुग्ध पान कराइए। तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे संस्कार उसके अंदर जाए और जीवन में तुम्हारा नाम करे। बोल गोविंद भगवान की।